मेंटेनेंस, रिकरिंग मेंटेनेंस कॉस्ट तो है ही, आपके एक भी वर्क के अंदर आप ये बता दो कि मेंटेनेंस का प्रोविजन है नहीं है, तो यार ये तो लिखो फाइनेंस को कि भाई कटे नहीं लगाना है, हैंग कागज के माने लिखियोड़ी है, उन अनुसार आपने काम करना है, ठीक है नी। तो कोई कोई करना है, कोई नहीं करना, एसडीएम साहब खुद फरमाए आपने बीच के मायने, उपखंड अधिकारी महोदय अनिल जी बीच में, आपने अनिल जी मेला साहब पधारोड़ा है, तहसीलदार सुरेंद्र जी, सुरेंद्र सिंह जी और सरपंच साहब अरुण जी, वीडियो साहब सावला राम जी, आरआई साहब और पूरा थे गांव वाला, ठीक है नी। अब आप बात सुनो, पर बात सुनने को असर होना चाहिए। मैं बीएलओ अटे कोई है नहीं, आप हो मेरे को आज शाम को बताओ कि कितने नाम आपने जोड़े, मैं खेड़ में जाके आई अभी उनकी रिपोर्ट आ गई, ठीक। मेरे को शाम को बताओगे फोन करके कितने नाम आपने जोड़े, कितने संशोधन किए या हटे, ठीक है। दोहरा नामांकन अगर किसी का है वो भी हटना है, तो अब हम साहब से सुनेंगे। मैडम ने आपको बताई दिया बिना औपचारिकता के मैं शुरू करूं, जैसा आपको मालूम है, समझ में तो आ रही है ना, जैसा मालूम है मैं यहाँ वाली वो भाषा तो बोल नहीं सकता, उसमें थोड़ा घुमाव है जीभ में, मेरे आता नहीं तो इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, और चुनाव के अंदर वोट वही आदमी डाल पाता है जिसका वोटर लिस्ट में नाम होता है। अब वोटर लिस्ट में अपना नाम ही नहीं होगा तो अपन चुनाव में मतदान ही नहीं कर पाएंगे। तो अभी अपना अभियान चल रहा है बीएलओ के पास में जाके, 18 साल से ऊपर कोई भी लड़का या लड़की, घर में कोई नई बीननी आई हो उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं हो, और 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, 18 साल से नीचे के व्यक्ति का नाम नहीं जुड़वाना है, वो अपराध की श्रेणी में आता है। एक अपना एक ही जगह वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, दो जगह नहीं होना चाहिए, बालोतरा भी जुड़वा लिया और पचपदरा भी जुड़वा लिया, यार वो भी गलत है। अपने को बीएलओ साहब के पास में हैं भी, यहाँ खड़े हैं, कोई नाम में अशुद्धि हो वो ठीक करवा लेनी है, इपिक कार्ड तो बना हुआ किसी दूसरे नाम से, मतदाता सूची में नाम लिखा हुआ दूसरा, कोई आदमी परिवार के अंदर बुजुर्ग आदमी डेथ हो गई है उसकी, अब उसका नाम वोटर लिस्ट में रखने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि अपने अगर उसका नाम चलता रहेगा अपने को कई जगह नुकसान होते हैं, उसका नाम हटने से अपने जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड है, राजस्व है, अपनों जमा जमीन का कागजात ही ना, बाकी वहाँ भी अपना नाम बदला जाए तो वो एक सबूत के तौर पर काम करता है कि भाई ये आदमी फलाना आदमी मृत हो गया, इसका नाम देखो हमने यहाँ से भी हटा लिया है। तो अपने किसी भी मृत आदमी का नाम नहीं रखना, परिवार में कोई डेथ हो गई हो तो, नया कोई भी परिवार का सदस्य जुड़ा हो, कोई नई बीननी आई हो, कोई बच्चा 18 साल से ऊपर हो गया हो तो उसका नाम जुड़वाना है, और हर आदमी को मतदान करना है। एक और अफवाह चल रही है, अफवाह चलती ही रहेंगी, लेकिन अपने को अपने दिमाग से चलना है कि एक इस बार ऐसी मशीन आई है, जब आज से पहले तो क्या होता था, मशीन का बटन दबाते थे तो टीम की आवाज़ आती थी ना, और आप देख लेते थे कि भाई वोट गिर गया, लेकिन ये नहीं मालूम चलता था कि किसको पड़ा है वोट। इस बार सबसे पहले सरकार ने कई राज्यों में पहले चुनाव हुए हैं उनमें ये प्रयोग कर लिया, और अपने यहाँ भी इस बार एक मशीन आएगी ऐसी, जो छोटी और बड़े वाली मशीन थी ना जहाँ पे आप बटन दबाने जाते थे, एक सफ़ेद वाली सी, उस मशीन के पास में ही एक बड़ी मशीन और लगी हुई मिलेगी, जैसे ही बटन दबाओगे तो उसका नाम आएगा कि कौन से उम्मीदवार को दिया है। जैसे जिस भी, जैसे मान लो आपने कोई गैस का सिलेंडर हो किसी का चुनाव चिन्ह, या हवाई जहाज हो किसी का चुनाव चिन्ह, तो आपने हवाई जहाज को दबाया बटन आगे और खट उस मशीन में दिखेगा कि हाँ वोट हवाई जहाज को ही गया है। लेकिन इसके बारे में अफवाह उड़ा रहे हैं कि भाई वो मतदाता की फोटो भी ले लेती है मशीन, उस मशीन में मतदाता की फोटो लेने का कोई कारण नहीं है, ना वो किसी की फोटो लेती है ना और कोई लेना देना, कुछ भी नहीं, सरासर गलत बातें हैं। आप जैसे ही दबाओगे तो आपको खुद को ही दिखेगा, 7 सेकंड के लिए, 7 सेकंड दिखेगी आपको कि भाई मैंने हवाई जहाज को बटन दबाया था, हवाई जहाज वाला ही वोट पड़ा है एकदम से। तो ज्यादा इस बार क्या है कि दिल को तसल्ली भी होगी कि हाँ वोट जहाँ डाला है ना भाई, हालांकि पहले भी मशीन सही थी, सारा काम सही करती थी, लेकिन दिखता नहीं था, इसलिए एक मन में रहता था कि मालूम नहीं वोट कहाँ गया है, देखे तो आए, और जीत जाता था या हार जीत के बाद में लगता था कि मालूम नहीं अपना वोट खराब हो गया। इस बार आपको पूरी संतुष्टि होगी, तो मेरा यही अनुरोध है कि नए सारे नाम जुड़वाएं मतदाता सूची में, और सारे लोग मतदान दिवस के दिन जिस दिन वोट पड़े ना उस दिन बिना किसी गाड़ी का इंतजार किए, अपन गाड़ियों का इंतजार करते हैं फलाना आएगा वो आएगा, ये बिना किसी गाड़ी का इंतजार किए अपने को बूथ तक जाके और लाइन में लग के जैसे अपने शादी में शामिल होते हैं ना वैसे ही अपने को मतदान करना है।
बोलो भारत माता की जय। कुछ तो करो।